छात्रों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, बीबीए छात्रों के रिजल्ट के साथ खिलवाड़। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से मौन। खिलवाड़ सात जगह किया जा रहा है, जहाँ पर छह विषयों की कॉपी जांची गई है, छह विषयों की कॉपी जांच कर रिजल्ट निकाला गया है यहाँ पर। देरी से आने की वजह से यहाँ पर रिजल्ट, स्कॉलरशिप में भी समस्या, फीस को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी रोष है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छह विषयों की कॉपी जांची गई है और इसके साथ ही उन कॉपियों की जांच इतनी लेट, रिजल्ट इतना लेट कि स्कॉलरशिप को लेकर यहां पर छात्र परेशान हुए हैं। एडमिशन होने में यहां पर छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करता कानपुर विश्वविद्यालय, जहाँ पे छात्र इस बात को लेकर स्टाफ जो है वहां तक अपनी आवाज उठाते दिख रहे हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, यहाँ पर लेट रिजल्ट और उसके बाद स्कॉलरशिप से लेकर एडमिशन तक यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। देखिए लेट रिजल्ट की बात नहीं है, सात सब्जेक्टिव स्टूडेंट ने परीक्षा दी और रिजल्ट दोबारा छह विषयों का आ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। उसके बाद लेट रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट भी गलत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुलपति और स्टार पूरी तरह दोषी, जिनके अधीन ये सब काम हो रहा है, उनके कर्मचारी इतनी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, मजबूरन छात्रों को धरने बैठना पड़ रहा है और इसकी जिम्मेदार श्री कुलपति कानपुर की है, जो निर्मल गुप्ता जी वो जिम्मेदार है, तो उनका यहाँ से प्रमोशन होकर के वो दूसरे विश्वविद्यालय की वीसी बना दी गई है। लेकिन अभी लालच चक्कर, मोह चक्कर कल यहाँ पर छोड़ नहीं पा रही है, उन्हीं चक्कर से जो उनका पूरा गैंग उन्होंने बना रखा, परेजिस ला करके टीचरों का, परेजिस ला कर स्टार का ला करके पूरा एक पूरे शक्ति सिंडिकेट बना रखा है यूनिवर्सिटी में, वो कोई लापरवाही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, तमाम जानकारी।